नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे लिए बरसे, सब बरसे, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, इस बार 27 अगस्त शनिवार के दिन मनाई जाने वाली है शनिश्चरी अमावस्या। बहुत ही भारी दिन है आज के दिन। हर घर में लगभग उतारे किए ही जाते हैं। कुछ लोग देखी ती रीते करते हैं कि लोगों को पता चले, कुछ लोग चुपचाप तरीके से करते हैं पता ना चले, लेकिन शनिश्चरी अमावस्या वाले दिन लोगों के घरों से तमाम प्रकार की बलाएं दूर की जाती हैं। इसलिए आज के दिन पूरा दिन सावधानी बरतें, चौराहे पर जाना टालें, शंकास्पद तांत्रिक लोगों के घरों में खाना पीना टालें, टोने टोटके वाले लोगों से मिलना जुलना टालें, खुले बाल रखकर शमशान से या चौराहे के आसपास ना निकलें, एकांत विस्तार में खड़े होकर के कोई भी सफेद चीज ना खाएं, निर्जन स्थानों में आज के दिन जाना टालें। ये जानकारी जो मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, आज के दिन जरूर करें। जैसे कि मैंने बताया, दिन बहुत भारी है तो कुछ एक उपाय कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, है ना? अच्छी लग जाए जानकारी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। अच्छी जानकारियों को शेयर करेंगे, घर बैठे पुण्य कमाएंगे। लोग पुण्य कमाने के लिए चारों धाम में जाते हैं, दर्शन करते हैं, सभी के शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जगह जगह जाते हैं, हजारों रुपए लगा करके भी दर्शन में जाते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? पुण्य मिले, पाप कटे, है ना? तमाम इच्छाएं पूरी हो। तो घर बैठे जिन कामों को करने से पुण्य मिलता है उन्हें तो जरूर करना चाहिए। समाज में लोगों के बीच में अच्छी जानकारियों का यदि आप फैलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का क्या काम होगा। अच्छे लिटरेचर को फैलाना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जैसे लिटरेचर को लोगों के बीच में फैलाना, गायत्री चालीसा बोलना, ये तमाम चीजें समाज में लोगों के दिमाग में पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करती हैं, तमाम बुराइयों से उनकी रक्षा करती है। तो ऐसी चीजों को फैलाना चाहिए। आज के दिन एक छोटा सा काम दोस्तों जरूर करें। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सुबह जब आप स्नान करते हैं, नहाते समय जो भी आप मंत्र बोलते हैं, ज्यादातर लोग हर हर गंगे बोलते हैं। आप देखना, स्नान करते समय हर हर गंगे का जाप करते हैं। हर हर गंगे का जाप भी दोस्तों आपके तमाम पापों को काट देता है। जो लोग नहाते समय हर हर गंगे कंटिन्यू बोलते रहते हैं, वो घर बैठे ही गंगा स्नान करते हैं। आज के दिन नहाने के पानी में गंगा जी का जल, यदि गंगा जी का जल ना मिले तो कोई भी शुद्ध नदी का जल नहाने के पानी में जरूर ऐड करें। उस पानी से ही आज के दिन आप स्नान करें। नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। आंवले के पत्ते या आंवले का चूर्ण मिलता है तो उसे भी आज के दिन नहाने के पानी में जरूर डालें। ये करने से आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होती है, उसका विकास होता है, और जो नेगेटिव एनर्जीज है उसका खात्मा होने लग जाता है। और दोस्तों, नहाने के समय जो पानी आप यूज करते हैं, यदि आप उस समय पानी हाथ में लेते हैं जैसे लोटे में लेते हैं और उसमें लास्ट वाली अंगली ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इस उंगली को, कनिष्ठिका को पानी में डाल करके जो मंत्र से आप पानी को अभिमंत्रित करते हैं, पानी उसी मंत्र से अभिमंत्रित होता है। और यदि पहला लोटा आप उसको अपने शरीर पर डालते हैं तो समझिए आपने उस देवी देवता का कवच धारण कर लिया। तो यदि आप रेगुलर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो आज के दिन आप पानी लें और उसी मंत्र को 21 बार बोल करके और उस पानी को अभिमंत्रित करके उसी को सबसे पहले अपने सिर पर डालें। बराबर, जो महिलाएं हैं अमावस्या है सिर पर नहीं डाल सकती हैं, अपने कंधों पर डालें। बराबर, लेकिन पहला लोटा अभिमंत्रित जल यदि आप अपने ऊपर डालते हैं तो इसका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होता है। पूरे दिन आपकी बॉडी में एक कवच रहता है। ये मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों,
ये मंत्र यदि आज के दिन आप स्नान के समय बोलते हैं, जैसे पहला लोटा आपने पानी का लिया और उसको इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, या फिर इस मंत्र को बोलते हुए भी सिर्फ आप उस पानी को अपने ऊपर डालते हैं, तो आपकी रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। आपको बोलना है सदा भवानी दाहिने सम्मुख खड़े गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ लोग बोलते हैं पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, बराबर। आप तीन देव ही बोलेंगे तो भी आपकी रक्षा होनी है, होनी है, होनी है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यही दोस्तों शुरुआत है, मध्य है और अंत है। पांच देव बोलते हैं तब साथ में गणेश जी और माता पार्वती भी आ जाते हैं। चाहे पांच देव बोले चाहे तीन देव बोले, बोलना जरूरी है आपको, चाहे आप 11 बार बोले या 21 बार बोले, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या है। तरह तरह की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में घूमेगी जरूर, और तमाम नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस मंत्र से अभिमंत्रित पानी आप अपने घर में भी जरूर छिड़कें, ताकि आपके पूरे घर की रक्षा, परिवार के तमाम मेंबर्स के ऊपर आप अभिमंत्रित जल जरूर छिड़कें। इसी मंत्र से पानी को अभिमंत्रित करें और उस जल को आप सभी के ऊपर छिड़क दें। हर तरीके से आपकी रक्षा होने लग जाएगी, आपके बॉडी को कवच मिल जाएगा जो तीनों देवों के मंत्रों से अभिमंत्रित होगा। तो आज स्नान के समय ये शब्द दोस्तों जरूर बोलें, बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।